घर में लगा आईना हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। सकारात्मक हो या नकारात्मक, हर तरह की ऊर्जा दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सजना सवरना मनुष्य की प्रवृत्ति है। जब कभी भी वे घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर आते हैं, तो दरवाजे पर लगे आईने या किसी दीवार पर लगे आईने में अपनी छवि को जरूर निहारते हैं। लगभग दिन भर हम अपनी छवि आईने में निहारते ही रहते हैं। ऐसे में आईने को उस जगह लगाया जाता है जहां आसानी से खुद को बार बार देखा जा सके। आईने लगाने की दिशा में वास्तु की जांच करना अति आवश्यक है। वास्तु शास्त्र में दर्पण को लेकर कुछ खास बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। आइए जानते हैं कि किस दिशा में आईना लगाना उचित बताया गया है। वास्तु शास्त्र में दर्पण को लेकर कहा गया है कि इन्हें हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। साथ ही यह जितने हल्के और बड़े होंगे उनका प्रभाव उतना ही अधिक रहेगा। उत्तर और पूर्व की दिशा पर आयताकार ही दर्पण लगाना चाहिए। वहीं हमें कभी भी अपने घर में नुकीली या तेज धार वाले दर्पण को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे लाभ की बजाय मनुष्य को हानि देखने को मिलती है। दर्पण का टूटना भी अशुभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मुसीबत आने वाली हो या टल गई हो तो ऐसे में दर्पण टूट जाते हैं। ऐसा होने पर दर्पण को तुरंत ही कटवा कर वर्गाकार या आयताकार में परिवर्तित करके घर में लगा दें और शेष भाग को फेंक दें। अब हम आपको दर्पण से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स या यूं कह लीजिए वास्तु ज्ञान की बातें बताने जा रहे हैं, जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला, घर या व्यवसायिक जगहों पर दर्पण हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा, घरों में या व्यवसायिक स्थानों पर अगर कोई दर्पण दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा है तो उसे तुरंत हटाकर उसकी सही दिशा पर लगा देना चाहिए, नहीं तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, दुकानों और शोरूम में अक्सर हमें दर्पण छत पर लगे मिलते हैं। यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी दुकान और शोरूम में कभी भी दर्पण छत के ईशान कोण और मध्य भाग में ना लगे हों। चौथा, अगर आपके घर या व्यवसायिक स्थल पर ईशान कोण दक्षिण पूर्व दिशा से ऊंचा है तो ईशान कोण की ओर फर्श से आधे से एक फुट चौड़ा दर्पण लगाना चाहिए। पांचवा, कमरे के अंदर दरवाजे पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और घर के सदस्यों को हानि का सामना करना पड़ सकता है। छठी बात, सबसे जरूरी बात यह है कि दर्पण को कभी भी सोने के कमरे में नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो पति पत्नी के बीच हमेशा ही मतभेद बना रहता है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अगर वह सोते समय आईना देखते हैं तो इससे उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दर्पण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर सोते समय दर्पण में देखा जाए तो सेहत पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी पति पत्नी को अपने बेडरूम में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। सातवीं बात, वास्तुशास्त्र में दर्पण को लेकर यह भी कहा गया है कि उससे एक अलग तरह की ऊर्जा बाहर निकलती है। वह ऊर्जा कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है ये कोई नहीं कह सकता। दर्पण से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी या नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी ये पूरी तरह से दर्पण के स्थान पर ही निर्भर करता है। आइए जानते हैं अब आठवीं बात, घर में लगे दर्पणों की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए उन्हें ढककर रखना चाहिए या फिर अलमारियों के अंदर लगवाने चाहिए।
ताकि आसपास से गुजरते व्यक्ति को वह आसानी से दिखाई ना दे। दर्पण से जुड़ी नौवीं बात, घर के किसी भी छोटे और संकुचित जगह पर रखे आईने कई सारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। वहीं घर की किसी भी दीवार पर आईना लगाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह एकदम नीचे ना हो और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर हो। परिवार के सदस्यों को सिरदर्द हो सकता है जब आप अत्यधिक ऊंचे जगह पर दर्पण को लगाते हैं। तो ये थी दर्पण से जुड़ी कुछ मुख्य अहम बातें जो कि आज हमने आपको अपने इस खास वीडियो में बताई। इसी तरह की अन्य वीडियोस को पाने के लिए यूं ही हमारे साथ बने रहें।